देखिए जी, पहली बात तो ये बता दूं, हम हरियाणा के बच्चे हैं, दूध दही का देसी खाना है तो ठंड तो पास आएगी नहीं। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे थे कि टी शर्ट में केस चलता है, आज उन पत्रकारों को सामने लाओ, उस सरकार को सामने लाओ, मैं पूरे दिन जो है ऐसे ही चल के दिखा दूंगा। सर्दी है नहीं, राहुल का जोश है 2024 में राहुल को प्रधानमंत्री बनाना है, सर्दी लगे नहीं रही। 42 साल के हैं आप, आपने कुछ पहना नहीं है, आपको सर्दी नहीं लग रही? राहुल गांधी जी को नहीं लगती, हमारे नेताजी को हमारी सर्दी कहाँ लगती है? हम उनके फैन हैं, हमारे राजवीर जी फल्टिया हम इनके फैन हैं। रावड़ी से कुरुक्षेत्र की ओर भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है, और देखिए राहुल गांधी नीचे पहुंचने वाले हैं, और यहां पर कपड़े उतार के सर्दी में 7 डिग्री टेम्परेचर, करीब 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर में यहां पर नौजवान देखिए किस प्रकार से अर्ध नग्न है, और शर्ट उतार कर, बनियान उतार करके ये राहुल गांधी का हाथ हिलाकर के अभिवादन कर रहे हैं। गुलाबी पगड़ी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की पहचान। देखिए राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए हौसला अफजाई करते हुए इन लोगों की। राहुल गांधी यहां से निकले और ये लोग अर्धनग्न है इस सर्दी में, जब डबल डबल जैकेट लोग पहने हैं तब ये लोग अर्धनग्न है, और राहुल गांधी को यहाँ पर सलाम करने यहाँ पर लोग खड़े हैं। गुलाबी पगड़ी है सिर पर, आप लोगों से बात कर ले, क्या नाम है जी, कहाँ से? मेरा नमन शर्मा है जी, लोहारू से हूँ। नमन जी, कुछ पहना नहीं है आपने, और 7 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर। देखिए जी, पहली बात तो ये बता दूं, हम हरियाणा के बच्चे हैं, दूध दही का देसी खाना है तो ठंड तो पास आएगी नहीं। दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी पर टिप्पणी कर रहे थे कि टी शर्ट में केस चलता है, आज उन पत्रकारों को सामने लाओ, उस सरकार को सामने लाओ, मैं पूरे दिन जो है ऐसे ही चल के दिखा दूंगा। चलिए, अगर आदमी के अंदर सहनशीलता हो तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग लगता है कि सर्दी को सहन कर जाते हैं, आपको ठंड बिल्कुल नहीं महसूस? बिल्कुल नहीं लगती। जैसा दिमाग में आप सोचेंगे ना वैसा होगा, आप जितनी ज्यादा सर्दी सोचोगे, चाहे आप 400 रुपए पहन लो आपको उतनी सर्दी लगेगी। आप जितनी ज्यादा अपने आप को ये सोचोगे हाँ सर्दी नहीं है तो नहीं लगेगी। आपके आप देख लो लाइव, मैं कहीं से कांप रहा हूँ। मैं जी बशीरवास गांव से हूँ, लोहारू मेरा जो है। गुलाबी पगड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पहचान बताइए। हाँ जी बिल्कुल, उनकी बिल्कुल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। क्या नाम है? देखिए उठक बैठक करते हुए, उठक बैठक कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी कहाँ से हो? भिवानी डिस्ट्रिक्ट हल्का लोहारू गांव मतानी। सर्दी नहीं लगती आपको? नहीं नहीं सर, सर्दी किसान मानसू को सर्दी कैसी। हाँ हम तो उस कड़ाके की ठंड में -2 पर भी लाइन बदलते हैं, हम वो किसान है, लेकिन सर्दी लगती है बीजेपी सरकार से। इन्होंने न तो उरन कर लिया, इन्होंने न तो डीएपी देती है, डीएपी भी लाइन में लगना पड़ता है, यूरिया के लिए लाइन में पड़ता है, और किसान मानस को कहती है जी तेल लेते हैं ना पेट्रोल पंप, वो भी लाइन में लगते हैं, हम इससे सर्दी लगती है। इन्होंने हमारी सर्दी मिटा दी है जी, ये सरकार ही ऐसी है। और भी लोग हैं कुछ, आप बताइए, ऐसे जब टेम्परेचर इतना है कि लोग टोपी मफलर जैकेट डबल डबल पहन के चल रहे हैं, और आप अर्धनग्न है, शरीर पे बनियान तक नहीं है। सर्दी है नहीं, राहुल का जोश है 2024 में राहुल को प्रधानमंत्री बनाना है, सर्दी लगे नहीं रही। युवा के अंदर अभी से गर्मी आ गई है। हाँ गर्मी है, गर्मी सर्दी नहीं है। और ये ऐसे इस तरह से कब तक रहोगे? जितनी यात्रा चलेगी राहुल की यात्रा चलेगी जब तक। चलिए ठीक है, देखिए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवीलाल गोदारा है, उमरेरा है। मेरी उम्र है जी 42 साल की। 42 साल के हैं आप, आपने कुछ पहना नहीं है, आपको सर्दी नहीं लग रही? राहुल गांधी जी को नहीं लगती, हमारे नेताजी को हमारी सर्दी कहाँ लगती है? हम उनके फैन हैं, हमारे राजवीर जी फल्टिया हम इनके फैन हैं, हमारे हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो किसानों के तैसी है, गरीबी को तैसी है, 36 बरादरी के मसीहा है, जिन्होंने हरियाणा को सुचारू रूप से चालू किया था। खट्टर की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आते ही उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, चाहे बिजली की बात लो, चाहे पानी की बात लो, चाहे बात गैस सिलेंडर की लो, चाहे बात खाद बीज की लो, हालांकि खाद में तो उसमें वजन भी कम कर दिया कुछ,
इसलिए अब जब भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, एक मीडिया के प्रेस बंधु ने मेरे से बात की कि भाई देवीलाल आप कह रहे हो कि भाई भारत जोड़ो, क्या पहले भारत जुड़ा हुआ नहीं था? मैंने कहा भारत जुड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी ने आते ही भारत को अलग अलग कर दिया, क्योंकि कांग्रेस की थिंकिंग हमेशा से यही थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन इन्होंने रुक जाए यार एक मिनट, ओ भाई प्रेस बात कर दिया, इन्होंने किया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन जब बीजेपी आई आते इन्होंने मुसलमानों से खतरा हो गया, किसान दो प्रकार के हो गए, गरीब दो प्रकार के हो गए, छोटे गरीब, छोटे किसान बड़े किसान, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी, इस तरीके से इन्होंने हर तरीके से इनको बांट दिया है। अब लगता है राहुल गांधी की यात्रा से कुछ असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा सर, क्या जी मीडिया ने दिखाया नहीं सही बात है, आप जैसे प्रेस बंधु होते थे ये नौबत आती नहीं, लेकिन गोदी मीडिया ने उनका प्रचार बीजेपी का प्रचार किया, असलियत दिखाई नहीं, असली जो रोल था वो छिपा लिया, नकली चेहरा आगे लिया है। हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो छत्तीस बरादरी के मसीहा है और कांग्रेस की पार्टी को पूरा हरियाणा चाहता है। चलिए ठीक है, एक एक और जुमा है, आप लोग सुबह सुबह यहाँ हैं, आपकी उम्र भी 55-60 के आसपास है, सर्दी नहीं लग रही आप लोगों को? सर्दी नहीं लग रही, ये एक संदेश है। हमारे बीजेपी के गवर्नमेंट वाले पूछते थे कि राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहा है, और उसका ये कि उनको जवाब है कि किस तरह से नौजवान साथियों ने, वो तो टी शर्ट में चल रहे थे, इनने अपनी टी शर्ट भी काट के भगा दी है, और ये जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो नौजवान साथियों के लिए, किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, आज पूरा देश आप देख रहे हो कितनी ठंड पड़ी हुई है, धुंध लगी हुई है, फिर भी नौजवान साथियों के हजारों हजार। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आपको ठंड लग जाएगी? आपके घर वाले नहीं आपको कुछ कह रहे कि भाई बीमार पड़ जाओगे, ठंड लग जाएगी, दस्त लग जाएगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी, जो ठंड महसूस होगी तब तो बीमार होंगे, तब नहीं तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। इतनी एनर्जी इतनी कहाँ से आ रही है? ये हमारी टीम राजवीर फलटिया जी की टीम है, इस टीम के अंदर ऐसा ये आग सहने की शक्ति भी है, सर्दी सहने की शक्ति है, हमने अपने अपने आप को ऐसे प्रकार डाल रखा है, हम ऐसी किसी स्थिति में निकल जाएंगे। चलिए तो देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर टी शर्ट उतार करके, बनियान भी नहीं है इनके शरीर पर, और ये अर्धनग्न हो करके एक खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन आपने बहुत देखे होंगे, अर्धनग्न करके सरकारों को जगाने की कोशिश होती है यहाँ, लेकिन राहुल गांधी को ये संदेश देने के लिए कि आप अगर टी शर्ट में चल रहे हैं तो आपके जो फैन है, आपके जो कार्यकर्ता है, वो बिना टी शर्ट के चल रहे हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के सीटीवी कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।